आदाब नमस्कार और आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारे देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी शहरों में लगातार हिंसा और नफरत का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार सभी राज्यों की पुलिस जो है घटनाओं को कम करने की कोशिश कर रही है और शहर में और जिले स्तर पर आपस में भाईचारा बनाने की लगातार कोशिश भी कर रही है, लगातार प्रयास भी कर रही है। 24 घंटे न दिन देखती है न रात देखती है, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस जो है, चाहे वो राजस्थान पुलिस की बात करें, चाहे यूपी पुलिस की बात करें, लगातार जनता की सेवा और सुरक्षा में डटी है। हमारे देश के किसी भी राज्य और किसी भी जिले में या किसी भी शहर में हिंसा और नफरत का माहौल ना बने, इसीलिए डीजीपी उत्तर प्रदेश ने एक वीडियो बाइट में कहा है। इसी विषय में डीजीपी उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस को अलर्ट कर दिया है और साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या भड़काऊ बयान देता है या वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। दूसरी तरफ डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कहा कि जिले के सभी शहरों में, सभी गांव में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पुलिस के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर, थाना क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस के द्वारा पैदल मार्च की जाए, वे जनता के लोगों को आपस में भाईचारा बनाने की सलाह भी दी जाए और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बिठाकर आपस में प्यार और भाईचारा कायम कराने का प्रयास भी किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि उदयपुर राजस्थान का जो हत्याकांड है, कन्हैयालाल जो हत्याकांड है, उसकी असली सच्चाई क्या है। 10 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, 11 जून को कन्हैयालाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 12 जून को कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया गया, 13 जून को दोनों पक्षों में समझौता हुआ, कन्हैयालाल को जमानत मिल गई लेकिन दूसरे पक्ष को जमानत नहीं मिली, 15 जून को कन्हैयालाल ने पुलिस को पत्र लिखा, सुरक्षा मांगी, दावा किया कि लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, 28 जून को भूतमिल इलाके में टेलरिंग दुकान पर हमला, यानी कि कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, कहां से शुरुआत हुई है, मैंने आपको सभी समझाया। अब हम बात करते हैं ये घटना कहां पर हुई। उदयपुर राजस्थान में उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में सोमवार को दो व्यक्तियों ने दिन दहाड़े एक टेलर कन्हैयालाल के कथित रूप से उसके दुकान में घुसने के बाद गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्यारे कपड़े सिलाने के बहाने दुकान में घुसे थे, इसके बाद उन्होंने तालिबानी तरीके से कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद हत्यारों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी है। पीएम मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। पुलिस ने दोनों हत्यारों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दोनों हत्यारों को, दोनों आरोपियों को राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से पकड़ा है। तो आपको क्या लगा, क्या है पूरी सच्चाई, इधर डीजीपी उत्तर प्रदेश ने क्या संदेश दिए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देंगे, भड़काऊ पोस्ट देंगे, तो डीजीपी उत्तर प्रदेश के क्या है दिशा निर्देश, ये वीडियो देख लो, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की जो काफी सीमाएं हैं वो राजस्थान स्टेट से मिलती हैं। उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेके हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी एवं बहादुर जवान वो ज़मीन पर मुस्तैद हैं। साथ में हम लोग सोशल मीडिया पर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर शरारती पोस्ट, भड़काऊ बयान या आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पे करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व में भी ये दिखाया है कि जो लोग जरा सा भी प्रयास करते हैं अपने हाथ में कानून लेने का, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। प्रदेश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ में है तथा हम कानून व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखेंगे। हत्या के विरोध में कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से, तो उनको ये क्या, किस तरह से, क्योंकि कई जगह पे भी उत्तर लखनऊ की भी बात करी जाए तो यहाँ पर विमल पब्लिक को पहले से इम्पोज है, तो क्या जो प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं इसके विरोध में उनके लिए क्या कोई ज्ञापन के लिए या अधिकारी को ज्ञापन लेंगे, क्या उनके लिए क्या प्रक्रिया है? अपनी बात रखने की एक प्रक्रिया है, उसका पालन करें सभी लोग, संबंधित मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेकर अपनी बात रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।